हेलो दोस्तों, आप लोग को एक और सुमन का चैनल में स्वागत है। तो आज का वीडियो है ड्रिप फूड लेकर। तो ड्रिप फूड कहाँ पे मिलता है और वो किस तरह से बनाया जाता है और कहाँ पे मिलता है वो सारा आप लोग को आज बता रहा है। तो ड्रिप फूड हम लोग का नदी में भी मिलता है, तो नदी में आज हम लोग पूरा घूमेगा तुरसा नदी में। तो ड्रिप फूड खोज के आप लोग को दिखाएगा किस तरह का ड्रिप फूड। तो बहुत सारा एक्वेरियम में लगा सकते हैं, 1x1, 2x1 और 3 फीट का एक्वेरियम, 4 फीट का एक्वेरियम सभी में लगा सकते हैं। तो सारा आप लोगों को ड्रिप फूड आज आप लोगों को दिखाएगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए एक बार हम लोग का तुरसा नदी किस तरह से, और हम लोग पूरा तुरसा नदी में घूम के आप लोग को सारा दिखाएगा। तो चलिए अभी हम लोग नदी के सामने भी आ चुका है। तो अभी हम लोग इस साइड में अभी हम लोग ढूंढेगा ड्रिप फूड। तो इस साइड में नहीं मिलने से हम लोग तुरसा नदी पार होके भी उस साइड में आप लोग को दिखाएगा। तो देखिए तुरसा नदी भी बहुत बड़ा है, तो उस साइड जाके भी आप लोग को ढूंढ कर भी आज हम दिखाएगा किस तरह से होता है ड्रिप फूड, और एक्वेरियम में लगाने से पहले क्या क्या करना चाहिए वो सारा आप लोग को दिखाएगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग इधर में ढूंढेगा। तो ये ड्रिप फूड ढूंढने से पहले वीडियो में नया आया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग का इस साइड में नहीं मिला, तो अभी हम लोग तुरसा नदी पार करके उस साइड जाके आप लोग को पूरा दिखाएगा, ढूंढ के भी दिखाएगा बहुत बड़ा, और इसका प्रोसेस क्या क्या है एक्वेरियम का अंदर डालने से पहले, तो वो सारा आप लोग को दिखाएगा किस प्रकार से डालना चाहिए। तो ये ड्रिप फूड कहाँ से आता है बोलने से, ये ड्रिप फूड जो नदी का साइड में पेड़ वगैरह रहता है तो वो गिर जाता है बहुत ही बारिश आने से, बरसात का टाइम में विशेष करके, तो वो पानी में जो आता है ड्रिप फूड, तो बहुत पानी है भींग के, तो उसको अभी हम लोग अच्छी तरह से उसको बना के ड्रिप फूड बनाएगा, साफ़ करके गर्म पानी में धो के अच्छी तरह से ब्रश से साफ करके सारा आप लोग को दिखाएगा प्रोसेस किस प्रकार से एक्वेरियम में डालना चाहिए। उससे पहले बैक्टीरिया जो ये बाहर का बैक्टीरिया उसको सारा निकाल किस प्रकार से करना चाहिए वो सारा आप लोग को दिखाएगा। तो इस साइड तो नहीं मिला, तो अभी हम लोग उस साइड जाके आप लोग को सारा दिखाएगा। तो देखिए वीडियो बहुत ही अच्छा होगा। फाइनली अभी हम लोग तुरसा नदी का पार आ चुका है। तो अभी हम लोग ट्री हुट खोजेगा इधर में, तो बहुत सारा है इधर में, ज़्यादा ढूंढने भी नहीं पड़ेगा, बहुत ही अच्छा अच्छा है, बड़ा भी है छोटा भी है, सभी एक्वेरियम के लिए बहुत सारा मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए अभी हम लोग आप लोग को दिखाता है ढूंढ के। फाइनली अभी हम लोग तुरसा नदी का बहुत ही इधर आ गया पहाड़ का सामने में, तो हम लोग को ये सारा मिला, तो हम लोग को बहुत सा बड़ा ये भी मिला है पोर्ड में, बहुत बड़ा पोर्ड में लगाने के लिए ट्री वुड। तो इसको तो अभी हम लोग लेके जा नहीं सकता, इसके लिए गाड़ी भी चाहिए और हम लोग बुके भी ले नहीं सकेगा। तो देखिए उधर में भी ये बहुत बड़ा बहुत ही सुंदर है वहाँ पे भी पोर्ड के लिए। तो अभी हम लोग और ढूंढ रहे हैं घर में ले जाने के लिए छोटा छोटा इस तरह का ट्री वुड। तो अभी हम लोग ढूंढते हैं जितना मिलेगा तो मिल के आप लोग को घर में जाके इसका क्या क्या काम है और इसको क्या करना चाहिए वो पूरा आप लोग को दिखाएगा। तो अभी हम लोग और एक दो ढूंढ के बहुत बड़ा बड़ा अच्छा वाला 3 फीट एक्वेरियम के लिए लगाने के लिए अभी हम लोग ढूंढेगा वो ढूंढ के, तो आप लोग को ये सारा दिखा के तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिखाएगा इसको किस तरह से धोना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारा आप लोग को प्रोसेस दिखा के प्लांटेड एक्वेरियम में आप लोग को दिखाएगा। तो चलिए तो फाइनली अभी हमने सारा ढूंढ के भी खत्म कर चुका है 3 फीट के एक्वेरियम के लिए भी। तो 3 फीट एक्वेरियम के लिए
ये बहुत ही अच्छा, तो ढूंढ के अभी हम लोग पूरा ढूंढ रहा, बहुत दूर तक गया था तो हम लोग को मिला है बहुत ही अच्छा ये, और ये मिला, दो मिला है 3 फीट एक्वेरियम के लिए, बहुत ही सुंदर है इसको, अच्छी तरह से देखिए, बहुत ही अच्छा था, अच्छी वाला बनाएगा, अच्छा वाला। तो नेक्स्ट वाला वीडियो में आपको सारा इसके बारे में जानकारी मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, तो इसी तरह का वीडियो ये पूरा साथ के वाला आप लोग को मिलेगा। धन्यवाद।